जिवें आपां क्रोम करवा लैंदे आ किसे लोहे नूं, है ना, और क्रोम वाला लोहा खराब जिवें जल्दी नहीं हुंदा, ते इहदी किन्नी बुनियाद हैगी आ? इसमें सब कैसा है, क्रोम के ऊपर आप दूसरा मेटल चढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई मेटल नहीं चढ़ता, ये मेटल ओरिजिनल जैसा है वैसा ही है। ते तो अगर लोहा है तो जंग पकड़ेगा ही, थोड़े टाइम बाद पकड़ेगा, बाद में स्मूथ हो गया। ते इसके बाद ऊपर क्रोम करा सकते हैं अपन? हाँ, इसके ऊपर क्रोम कराओगे क्रोम का चमक बढ़ के आएगा। ठीक है, ओके, इसके ऊपर क्रोम का चमक बढ़ के आएगा। जैसे रंग तो पहले प्राइमर मार दे, चमक ज्यादा हो जाती है, प्री प्रोसेस। एदी की कीमत है मशीन दी? इसका ये मशीन छोटा वाला लाख रुपए का आता है, बड़ा वाला 12 लाख का आता है। ये तो डेमो पीस, डेमो है। तुसी कहो मुंबई, मुंबई से? ओके, थैंक यू। ओके, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਆ ਤੇ ਬਰੀਕ, ਮੋਟਾ ਤੇ ਮੋਟਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਸਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਕੇਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਘਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ठीक है, बाकी आप बता दो सर। ना छोटा सा पीएलसी है, 8 इनपुट 8 आउटपुट है। अच्छा, ये आपको जैसे कि कोई फिक्स इनपुट है, आपको कोई कुछ फिक्स सिग्नल है कि जैसे कि मशीन को स्टार्ट स्टॉप ये हो गया, सबको लोग छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई टाइमर वगैरह है जो फिक्स अंदर रखना है कि भाई इतना टाइम के लिए आपको आवाज़ ज़्यादा होगा, इतना टाइम के लिए, तो फिक्स प्रोग्रामिंग करके रख सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सेटेबल करना, तो ये डिस्प्ले वाला है। अच्छा, अंदर तो आपको कोई भी 4 या 5 पैरामीटर जो सेटेबल रखना है उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो इसके नाल ही। हाँ, पैनल आए ये नहीं, ये एक विदाउट डिस्प्ले, ये विद डिस्प्ले। अच्छा, विद डिस्प्ले और विदाउट, इधर च आप कुछ नहीं कर सकते? इधर च आप इसका ये अच्छे डिस्प्ले आंदा, ये विच आप जेड़ा प्रोसेस चलदा पया वा आप वो देख सकते हैं भी की फंक्शन चल रहा है वा। इधर विच की है, ये ब्लाइंड है, इधर विच फंक्शन नहीं दसूगा लेकिन वर्क उतना ही करेगा, वर्क उतना ही। जैसे कि आपका कोई मशीन है तो उसके अंदर आपने एक रखा है कि भाई ये पल्स मिलने के बाद 5 सेकंड ही चालू रहना है, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग पर करके रख दो जाना तो चले। अगर 5 सेकंड के उसको अभी कभी 6 या 7 सेकंड चेक करना है तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसके अंदर एड्रिनो टाइप है जी, वही है। मतलब ये अभी छोटा छोटी मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन होती है, न्यूमेटिक मशीन होती है, उतनी यूज हो जाएगा। ठीक, अभी जैसे कि उसके अंदर आपको रिले भी ऐड करना है, उसके लिए एक्शन जो मॉड्यूल है जैसे कि टेम्परेचर पे आपको रिले आउटपुट भी ऐड करना है। ये आईडी आउटपुट तो निकल ही रहा है मगर उसके अलावा कोई इंटरलॉक करना है कि भाई 100 डिग्री किया मगर 110 जाने के बाद मुझे रिले आउटपुट चाहिए। हाँ, तो इसके लिए भी आप मॉड्यूल है, एक्सटेंड हो जाए। हाँ, एक्शन जो मॉड्यूल है उसका रिले मॉड्यूल है। अभी जैसे कि उसका आपका हीटर का लोड भी देखना है HMI पे, तो क्या ये उसका हीटर का मॉड्यूल है। अच्छा, फर्नेस लिखे
अच्छा अलग अलग सही सही ओके ओके चल आ जा भाई यार ऑल जी गए अपन भाई हाई